नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप में तो आप कैसे शेयर को बाय और सेल कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो इसके अंदर। तो ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च है, जो भी सर्च करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर आपको वॉच लिस्ट मिल जाएगी, जिस वॉच लिस्ट में आपका जो भी स्टॉक्स है उसको आप सिलेक्ट करके आसान से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो आज के दिन देखिए भारत पेट्रोलियम में एक तेज़ी देखने को मिल रही है और ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि उन्होंने बना के हमें रेडीमेड दे रखी है। निफ्टी बैंक में इंडेक्स ऑप्शन में आप ट्रेड करना चाहते हो, किसी भी स्टॉक्स में न्यूज़ क्या है तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आपको न्यूज़ वाले सेक्शन पे करना है। तो देखिए रेडिंगटन में एप्पल ने अपना आईफोन न्यू का जो भी आउटपुट था वो कट कर दिया, जिसकी वजह से गिरावट है। पंजाब स्टेट बैंक में ये न्यूज़ है तो उनके कारण ये हमें देखने को मिल जाता है। करंट एक्शंस क्या है, कंपनी कौन सी डिविडेंड दे रही है नहीं दे रही, वो सब कुछ यहाँ पे लाइव में आप जाते हो तो यहाँ पे आपको स्क्रीनर मिल जाता है, जो कि बहुत कमाल की चीज़ है। स्क्रीनर से आप पता लगा सकते हो मार्केट के अंदर कौन सा डे लो को ब्रेक कर रहा है, कौन सा डे हाई को ब्रेक कर रहा है, तो जिससे कि आपको यहाँ पे बाई सेल करने का मौका मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनर को आप सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डे हाई का और डे लो का दोनों लगा रखा है। पोटेंशियल वॉल्यूम और अनयूजुअल वॉल्यूम, यानी कि इसमें वॉल्यूम बढ़ रही है लोगों की, वो भी हम यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। निफ्टी फिफ्टी के अंदर देखते हैं, सर्च करते हैं कौन से स्टॉक्स आते हैं। टेक महिंद्रा के अंदर हमें देखने को मिल रहा है इसने डे लो को ब्रेक किया है, तो यहाँ से हमें पता चल गया टेक महिंद्रा के अंदर डे लो ब्रेक किया है। तो हम चार्ट की एनालिसिस में सर्च करके देख भी सकते हैं कि टेक महिंद्रा का क्या अभी माहौल चल रहा है। ठीक है, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ आ चुका है टेक महिंद्रा, जिसने कि एक रुपये के आसपास डे लो को ब्रेक किया था। यहाँ पे हम चार्ट पे जाएंगे तो इससे चार्ट एनालिसिस भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये आ गया है हमारा चार्ट। मोबाइल के अंदर भी आप मल्टीपल चार्ट को एक साथ देख सकते हो और कहाँ पे क्या है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है मल्टीपल चार्ट को। तो हमें यहाँ पे सिंगल चार्ट ही देखना है। ठीक है, फिलहाल हम सिंगल चार्ट पे काम करने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो टेक महिंद्रा के अंदर यहाँ पे जो खड़ा है मार्केट, वो एक सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की तैयारी कर सकता है। 15 मिनट के अंदर देखते हैं, तो 15 मिनट के अंदर भी इसने एक गैप पेंडिंग था, गैप को फिल किया है। अभी हमारे अकॉर्डिंग इसमें कोई ट्रेड का सेटअप नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं दूसरा कौन सा है। तो इस प्रकार से देखिए हर किसी के अंदर हम ट्रेड नहीं कर सकते, मैं आपको ट्रेड करके बताऊंगा, लेकिन हमें कोई अच्छा सा ट्रेड करने के लिए मिलना भी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सब कुछ एनालिसिस कर सकते हो धन ऐप से, और यहाँ पे आसानी से सब कुछ आपको मिल जाता है, चार्ट वगैरह मल्टीपल चार्ट सेटअप भी कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे भारती एयरटेल के अंदर हमें एक सेटअप देखने को मिल सकता है, इस जगह ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, और हमारा स्टॉप लॉस कुछ 816 के आसपास आएगा, टारगेट हमारा जस्ट डबल। ठीक है, तो इसके अंदर हमें एक बाइंग का सेटअप मिलेगा, वो भी पुट बाइंग का। ठीक है, यानी कि हमारा व्यू गिरावट की तरफ होगा, तो हम पुट ऑप्शंस को बाय करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर जाते हैं। ऑप्शंस के अंदर यहाँ पे व्यू इन डिटेल्स, उसके बाद ये जो पुट ऑप्शन वाला है, पुट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, हमें वो सारे कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलेंगे जिनका पुट ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जाना है, उसके बाद एक सिलेक्ट कर देना है। देखिए मैंने कौन सा सिलेक्ट किया है, अभी मैंने 790 का पुट ऑप्शन सिलेक्ट किया है। मेरा व्यू ये है कि ये गिरेगा और गिरता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाई का ऑप्शंस कितने पैसे लगेंगे, 5000 रुपये। ठीक है, तो हम और नियर का देख लेते हैं, हमारे पास फंड अभी 11000 हैं, तो इसका भाव चल रहा है 810 का, तो 810 में 13000 का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 800 का जो पुट ऑप्शंस हैं, जो कि 8 द मनी का है, 8 द मनी के आसपास ही है जो हम बाय करने वाले हैं। क्वांटिटी यहाँ पे 960 रहेगी, क्योंकि एक लॉट में 960 होती है नॉर्मल, जो कि आप ओवरनाइट ले जा सकते हो। ट्रेडिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो आप इंट्राडे में ही ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो इंट्राडे में अगर आप एग्जिट नहीं होते हो तो ब्रोकर आपको एग्जिट कर देगा, ये है नॉर्मल, जिसको कि आप है ना रेगुलर ले जा सकते हो अपने साथ। अब देखिए कि मार्केट ऑर्डर में हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा, लिमिट लगा देते हैं 9.40 की। ठीक है, और यहाँ पे हमें टैक्स भी बता देगा कितना हमारे चार्ज लगेगा, 20 रुपये चार्ज लगेगा एक्सचेंज का, और 20 रुपये ब्रोकर का चार्ज है, एक्सचेंज का चार्ज लगेगा 5 रुपये के आसपास, GST भी लगेगा हमारा 5 रुपये के आसपास। ठीक है, ये 27 पैसे की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी इसके ऊपर, 8930 का टोटल ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सिंपल सा बाइक के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। प्राइस चलो हमें थोड़ा 3.5 के आसपास आ चुकी है, तो
यहाँ पे हम 3.5 के आसपास हम बाई कर लेते हैं। ऑर्डर टाइप आप यहाँ पे लिमिट है और ट्रिगर प्राइस है, तो यहाँ पे अलग अलग आप जो भी चाहो सेट कर सकते हो। और हम इसको बाई पे इंस्टेंट बाई पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा ऑर्डर हो रहा है एग्जीक्यूट। ठीक है, कैंसल्ड। हाँ चलो, हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है ऑर्डर। ये हमारा अभी पेंडिंग के अंदर पड़ा है और जैसे ही एग्जिट होता है तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलो, मेरे ख्याल से ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ भी 935। चलिए हम पोजीशंस के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि पोजीशंस के अंदर मेरा ऑर्डर आ चुका है। भारती एयरटेल का मैंने नवंबर का 800 का पुट ऑप्शन बाय किया है। मेरा व्यू ये है कि ये गिरेगा, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसका पुट ऑप्शन बाय किया है। अभी आप देखो तो हमें नेट टू नेट पोजीशन देखने को मिल रही है, यानी कि हम अभी लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में भी नहीं है, क्योंकि हमने अभी बाई किया है और ये उसी प्राइस पे खड़ा है। अब इसमें टारगेट स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो कैसे लगा सकते हो, यहाँ पे देखिए आपको एड स्टॉप लॉस नेक्ड पोजीशन है, ठीक है, नेक्ड यानी बिल्कुल हमने कुछ नहीं लगा रखा, ये बोल रहे हैं आप यहाँ से ऐड करके आप लगा सकते हो स्टॉप लॉस को, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसमें ट्रिगर टारगेट लगा सकते हो, टारगेट स्टॉप लॉस और ये आपका लॉट साइज, इन सबको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करते हो तो इसमें ऑटोमेटिक आपका स्टॉप लॉस से जब प्रॉफिट बढ़ता जाएगा तो ट्रेल होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टारगेट पे क्लिक करते हो तो टारगेट भी आप यहीं से सेट कर सकते हो कि आपका क्या टारगेट होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और आपको वापस एग्जिट पोजीशन पे क्लिक करना है, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। अभी 190 के आसपास हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है, और क्या बताऊँ। यहाँ पर रिवर्स यानी कि हमने बाय किया है तो सेल भी कर सकते हैं, तो इस रिवर्स पोजिशन पर क्या है कि बहुत बार हम गलत निकल जाते हैं तो उसको वापस सही कर सकते हैं रिवर्स पोजिशन पर क्लिक करते हैं। तो उसके बाद एड मोर का ऑप्शन से और भी ज़्यादा आप कुछ लेना चाहते हो शेयर को, तो यहाँ पे एड मोर से आप शेयर को बाय कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसका एक बार चार्ट देख लेते हैं। भारतीय एयरटेल का 95 रुपये के आसपास हमारे यहाँ पे लॉस है, ये हमारी पोजीशन दिख रही है, ठीक है। तो जमाच लिस्ट में चलते हैं, ये रहा भारतीय एयरटेल का 925 के आसपास आ चुका है, 811 पे इसकी प्राइस चल रही है। चार्ट के अंदर जाते हैं वापस और देखते हैं क्या सेटअप है अभी, ठीक है। तो इस प्रकार से गाइज मैंने आपको बता दें, किसी भी शेयर को आप बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और यहाँ पे हमारी पोजीशंस एग्जीक्यूट हुई थी इस वाले लेवल पे, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है, टारगेट हम यहाँ पे डबल ले सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा आने वाला है सपोर्ट लेवल, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी पोजिशन को मैनेज कर सकते हो, और बाई सेल कैसे करना है ये भी आप देख लिया हो। अभी 47 रुपीज़ के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। तो धन ऐप के अंदर इस प्रकार से आप ऑप्शंस हैं उनको बाई कर सकते हो। यही आप बैंक निफ्टी के अंदर जाते हो तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे ऑप्शन चेन मिल जाती है आपको, और जो भी ऑप्शन चेन आप सिलेक्ट करते हैं वहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस तरफ तो आ रहा है कॉल ऑप्शन, जिनको भी कॉल ऑप्शन बाई करना है, इस तरफ आ रहा है पुट ऑप्शन। और सबसे अच्छी बात बताऊँ किस ऑप्शन के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए जा रहे हैं, तो ये भी पता लगा सकते हो आपकी कॉल राइटिंग कहाँ पे ज़्यादा है, पुट राइटिंग कहाँ पे ज़्यादा है। देखिए 18,200 के लेवल पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको येलो कलर में, यहीं आपको पर्पल कलर में ये इतने कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो ये 18,200 का जो लेवल है इसके लिए एक रेजिस्टेंस वाला एरिया है। 18,200 के ऊपर निकलता है तो हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, तब तक के लिए कुछ नहीं दिखेगा। और यहाँ पे देखिए 18,100 के लेवल पे भी कॉल राइटिंग कुछ बाइंग, तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा है 18,000 के लेवल पे, मतलब 18,000 के नीचे मार्केट अभी जाता हुआ आपको नहीं देखने को मिल रहा है इस एक्सपायरी तक। तो इस प्रकार से आप कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ कर सीख समझ कर यूज़ कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये हमारी पोजिशन कुछ इसी प्रकार से अभी पड़ी हुई है, और जो भी आपको क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो आराम से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन के अंदर आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।